हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है और मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं फॉर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं बताऊंगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। अभी आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, मैं जस्ट आपको वीडियो दे रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो सके, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर सको। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, उन बच्चों के लिए बताया है जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उनको तो सीधा क्या करना है, अपने एप्लीकेशन नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, बट मैं उन बच्चों के लिए बताऊंगी जिन्होंने अभी तक एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, जिन्होंने भी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद उनको फिल करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये हमारे 3 स्टेप हैं। ठीक है, तो जो भी न्यू कैंडिडेट्स होंगे उनको कहाँ पर रजिस्टर करना है, यहाँ पे इस ग्रीन बटन पर क्लिक करके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। तो क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, है ना। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, जैसे कि आपकी स्कैन फोटोग्राफ, है ना, सिग्नेचर बता दिया मैंने आपको, है ना। आपको क्या करना है, स्कैन सिग्नेचर फोटोग्राफ, है ना, बताया था मैंने JPG फॉर्मेट में, है ना, कितना कितना साइज होना चाहिए आपका। साइज फोटोग्राफ का 10 to 200 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का 4 to 30 KB होना चाहिए। स्कैंड कॉपी रखनी है आपको एक PW सर्टिफिकेट की, जो भी PWD उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो उनको क्या करना है, उसकी एक सर्टिफिकेट कॉपी रखनी है, स्कैन कॉपी रखनी है, उसको भी आपको क्या करना चाहिए, 10 to 300 KB में रखना है। ठीक है, तो आपको ये सब अपना कर लेना है, है ना। फी पेमेंट के बारे में बताया हुआ है जो कि एंड में आप देखोगे, है ना, जो कि कैसे होगा, बैंक पेमेंट गेटवे के थ्रू हो, है ना, ये सब आपको बताना है। ठीक है, आगे पासवर्ड के बारे में बताया है कि कितना कितना पासवर्ड आपको लॉन्ग रखना है। अभी पासवर्ड की नीड पड़ेगी, तो इट विल बी 8 to 13 characters लॉन्ग होगा, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए उसमें, पासवर्ड में एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और कुछ एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे एट द रेट हो गया, है ना, या इस टाइप से कोई भी एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। ठीक है, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। उसके बाद को आपको क्या करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर NEET UG 2024 और आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, अब आप प्रोसीड करोगे, आपने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने ये सब बता भी दिया है लास्ट वीडियो में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4-5 options आएंगे आपके पास कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म करना है, ऑनलाइन सबमिशन कैसे करना है। तो आपको आधार कार्ड के थ्रू करना है, आधार कार्ड के थ्रू कर लेना। ठीक है, सबसे ईजी मेथड होता है। ठीक है, सभी के पास अपना आधार कार्ड होगा, वरना आप कैसे कर सकते हो, डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, है ना, और कैसे कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, है ना, नॉन इंडियन पासपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप अगर इंडियन हो तो आप आधार कार्ड के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर दोगे, है ना। टिक मार्क करने के बाद क्या होगा, यस टिक कर दिया, देखो आधार कार्ड के थ्रू टिक कर दिया। जैसे ही आप आधार कार्ड के थ्रू टिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, जो भी आपका फ़ोन नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उस नंबर पे एक OTP आएगा, है ना। ये OTP सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ही वैलिड रहेगा, तो फटाफट मतलब जब भी आप करोगे तो अपना फ़ोन साथ में रखना आपका, जिस पे भी आधार कार्ड लिंक है। ठीक है, आपको यहाँ पे OTP फिल कर देना है, है ना, एंड देन यू विल क्लिक वैलिडेट OTP, सही OTP भरना। ठीक है, जैसे ही आप वैलिडेट OTP पे क्लिक कर दोगे, है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ऑटोमेटिक क्या हुआ, आपकी जो भी आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन थी आधार नंबर के अकॉर्डिंग, सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, है ना, आपका आधार नंबर आ जाएगा, है ना, आपका नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी और आप मेल हो फीमेल हो, है ना, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब देखो क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, कैंडिडेट नेम, वैसे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा बट स्टिल चेक कर लेना, कैंडिडेट नेम अपना नाम भरोगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको, फादर का नाम भरना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, जो भी आपका क्लास 10th में सर्टिफिकेट पे नाम है आपके फादर का या मदर का, वही फिल करना है आपको। ध्यान रखना, 10th में जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। ठीक है, वही फिल करना है आपको, आपके फादर का भी एज इट इज, आप पे आपकी मदर का भी। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, वैसे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके आधार कार्ड के थ्रू, है ना, अपना जेंडर डाल दोगे, अपनी नेशनलिटी डाल दोगे इंडियन, है ना, उसके बाद अपनी आइडेंटिटी टाइप डाल दोगे, है ना, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आपका एड्रेस मांगेगा आपका, आपको अपना एड्रेस डालना है, सही एड्रेस डालना, जो भी आपका आधार कार्ड पे है वही एड्रेस डाल देना। ठीक है, उसके बाद देखो सब लोकेलिटी ऑप्शनल है तो इसको रहने दो। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे भी ऐसा स्टार मार्क होता है ना, मतलब वो करना ही करना है, कंपलसरी है वो फिल करना। ठीक है, यहाँ पे स्टार नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हो। फिर आता है लोकेलिटी, लोकेलिटी भर देना अपनी, है ना, कंट्री इंडिया, है ना,
उसके बाद पिन कोड, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का पिन कोड आपको सही फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर को अगेन कंफर्म भी करना है, ठीक है। कंफर्म करने के लिए दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ईमेल एड्रेस डालोगे यहाँ पे, ठीक है। सही ईमेल एड्रेस डालना, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस फिल कर दोगे, ठीक है। ऐसी ईमेल ही डालना जो एक्टिव हो, ठीक है, जहाँ पे आपको मेल्स आते हो, जो कि आप रेगुलरली चेक करते हो, ठीक है, क्योंकि अभी मेल की भी काम जरूरत पड़ेगी है ओटीपी के लिए। उसके बाद अगेन क्या आता है, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंफर्म कर देना अपना ईमेल एड्रेस, दोबारा डाल देना। फिर यहाँ पे आपसे मांगता है एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, तो अल्टरनेटिव में आपको एक और कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शनल है, ये स्टार मेंशन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है डालना, बट आई विल सजेस्ट कि आप डाल दो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता नहीं है ना, हो सकता है रेंज ना आ रही हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना। तो आपको यहाँ पे एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आप अपने फादर का डाल सकते हो, है ना, मदर का डाल सकते हो, ब्रदर या सिस्टर किसी का भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको फिल कर देना। उसके बाद क्या होगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, सेम ही कर देना जो आपने ऊपर डाला है ना, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब जो डाला है आपने, ये वाला सेम ही कर देना, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा ऊपर से। उसके बाद क्या करना है, आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड मैंने आपको बताया था पीछे, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए उसमें, और एक कुछ एट द रेट ऐसे कुछ स्पेशल वो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पासवर्ड डालना है ना, वो वही पासवर्ड सेम दोबारा से डालना है, वो कन्फर्म करते हैं कि आपने सही पासवर्ड रीटाइप किया है या नहीं, है ना। उसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एज अ हिंट मतलब रहता है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से कर लोगे। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगी मैं कैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको दिखाया हुआ है इसमें, और उसका आपको आंसर भी यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपको अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हो, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे करना है। उसके बाद क्या करना है, ये कैप्चा आएगा, ठीक है, आपको ये फिल करना है सेम 946246, ये एग्जाम्पल के तौर पर सबका अलग अलग आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सेम फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन कि आपने सही फिल की है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे क्या होगा, देखो अपनी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी आइडेंटिटी, है ना, आपका जेंडर आ गया यहाँ पे, देखो जो भी आपने भरा है, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मदर नेम आ गया, है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पे, जो भी आपने फिल किया था। तो आपको ये सब चेक करना है, ठीक है, दोबारा से चेक करोगे, ठीक है। अगर सही नहीं है तो यहाँ पे आपको पास आपके पास एडिट का भी ऑप्शन है, देखिए अगर आपको लगता है कुछ गलती होगी आपसे तो आप एडिट भी कर सकते हो, इसीलिए आपको ये दोबारा चेक करना है सब कुछ, ठीक है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि हाँ मेरा नाम सही है, पिता का नाम भी सही है, फादर नेम भी सही है, मदर नेम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर भी सही है, एड्रेस भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, और ईमेल एड्रेस भी सही है, सब पे टिक कर दोगे चेक करने के बाद। दो बार चेक करना एटलीस्ट, ठीक है। चेक करने के बाद टिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यू विल सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है, ओटीपी आएगा, देखो ओटीपी आ जाएगा, है ना। ओटीपी कहाँ पे आएगा, ईमेल पे आएगा। तो अपने ईमेल और अपना फोन नंबर, फोन मोबाइल दोनों साथ में रखोगे, ठीक है, ताकि फटाफट आप अपना ओटीपी भर दो, बिकॉज ओटीपी ज़्यादा देर के लिए वैलिड नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ईमेल के पास ईमेल में आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भर देना, ठीक है। अगेन कैप्चा आएगा यहाँ पे, आपको अगेन सेम कैप्चा यहाँ पे डालना है, जो भी यहाँ पे होगा सबका अलग अलग होता है। उसको डालने के बाद यहाँ पे आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, क्या आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अपनी मेल चेक करो फॉर द ओटीपी, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने क्या किया है, सब अभी तक हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है ना, अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अब क्या करोगे, आप अगेन क्या करोगे, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दोगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ आ चुका होगा मेल में, पासवर्ड डाल दोगे, अगेन कैप्चा डाल दोगे, अब लॉगिन करोगे, अब हम भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है अपना, लोकेलिटी ऑप्शनल है, ये सब वहीं से उठा लेगा जो हमने पीछे पढ़ा फिल किया था, वहीं से उठा लेगा। स्टेट, ठीक है, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, पिन कोड, है ना, इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी डाल देना है ना, फादर का, मदर का, किसी का भी, ये सब पुराने वाला ही उठा रहा है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था, है ना। लोकेलिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, है ना, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे सेम परमानेंट एड्रेस आपका, ये सब सेम उठा रहा है पीछे से ही, ठीक है। अगेन आपको चेक करना है सब कुछ, और फिर कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करोगे आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, देखो देखो ये आपसे ना बार बार मांग रहा है, बिकॉज आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, अपना परमानेंट एड्रेस चेक करोगे, नेम ऑप्शनल जो भी था सब, लोकेलिटी, स्टेट, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, पिन कोड, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, है ना, आपका परमानेंट एड्रेस, है ना, ये सब आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद आई एग्री कैप्चा फिल कर देना है। आई एग्री करने के बाद क्या होगा,
कैप्चा भरने के बाद, आई एग्री करने के बाद क्या होगा, आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो चुकी है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि आपको हर बार जो भी आप स्टेप कर रहे हो दोबारा से चेक करके ओके पे क्लिक करना, ठीक है, ताकि कोई भी गलती मत हो। अब देखो आगे क्या होगा। यस, फिर आपको अब सब फिल करना है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, है ना, ये सब दोबारा दोबारा मांग रहा है, सब फिलअप होके ही आएगा पुराने वाला। ठीक है, जेंडर, आपकी आइडेंटिटी टाइप, आपका लोकेशन, है ना, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेट, यूटी, फ्रॉम वेयर, ट्वेल्थ और इक्विवेलेंट पास्ड अपीयर, जहाँ से भी आपने अपनी ट्वेल्थ पास की है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, जहाँ से भी ट्वेल्थ पास की है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोकेशन डाल देना, ठीक है, जहाँ से भी आपने अपनी ट्वेल्थ की है। ठीक है, उसके बाद लिखा है आर यू डायबिटिक, येस और नो में कर देना। ठीक है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, कि आप माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हो, येस और नो में डाल देना। ठीक है, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे तैयारी की, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, सेल्फ स्टडी की, कोचिंग ली, वो सब यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्रेरी टू ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग इन नीट यूजी, यहाँ पे आपको येस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको येस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, मदर का नेम, नेशनैलिटी, ये सब पुराना वही है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, एससी है, एसटी है, वो सब डालना है। आप कहाँ पे रहते हो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये डालना है। ठीक है, आप कौन सी कंट्री में रहते हो, इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगेन कैप्चा फिल करना है आपको, सेम इधर, है ना, कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, एंड अगेन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो क्या होगा। यस, अब आएगा कि क्या आप PWD कैंडिडेट हो, मतलब आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको येस और नो डालना है, येस है तो येस, अदरवाइज नो। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, अगेन देखो सेव एंड नेक्स्ट, ऐसे ऐसे एक एक स्टेप करते चलना है। ठीक है, फिर आपकी PWD जो भी डिटेल्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो गई है, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर देखते हैं आगे। यस, अब देखो सारी डिटेल्स, अब हम दोबारा यहाँ पे देखो एक एक डिटेल को यहाँ पे आपको देखना है। पास स्टेटस, पहले आपका टेंथ का पूछा है, यहाँ पे टेंथ का पूछा है, तो आप पास थे या फेल थे टेंथ में, ऑब्वियसली पास होंगे, है ना, पास डाल देना है यहाँ पे। फिर आपको डालना है क्वालिफाइंग एग्जाम, टेंथ और इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे टेंथ का पूछा है हमसे। ठीक है, उसके बाद कौन से स्कूल या कॉलेज से आपने टेंथ किया वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका वो डालना है। ठीक है, देन स्कूल एंड कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम भी डालना है, कोमा करके वहाँ का एड्रेस भी डालना है। रोल नंबर डालना है अपना टेंथ का, जो भी टेंथ में आपका रोल नंबर था स्कूल में या कॉलेज में, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज किस ईयर में आपने पास किया टेंथ को, है ना, कहाँ से स्कूलिंग की आपने, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सी थी, आपने किस में एग्जामिनेशन दिया था, किस स्टेट में दिया था, कौन सा बोर्ड था आपका, CBSE था, ICSE था, जो भी था। उसके बाद स्कूल, जो भी जहाँ पे भी आपने स्कूलिंग की है वहाँ का पिन कोड क्या था, है ना, वो फिल करना है। रिजल्ट मोड यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, ये हमने टेंथ की डिटेल्स कर लिया, टेंथ का हमने फिल कर लिया है, अब हम इलेवंथ का करेंगे। इलेवंथ में भी सेम चलेगा, पास थे या फेल थे, है ना, इलेवंथ में क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, इलेवंथ और इक्विवेलेंट, देन कौन सा स्कूल एंड कॉलेज था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया आपने, कॉलेज का नेम और एड्रेस, स्कूल का नेम एंड एड्रेस, रोल नंबर क्या था आपका इलेवंथ में, है ना, वो सब डालना है आपको। नेक्स्ट इज ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका इलेवंथ का, कहाँ से स्कूलिंग की, कौन सा क्वालिफाइंग स्टेट था, स्कूल बोर्ड क्या था, स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या था, और रिजल्ट मोड क्या था, ये आपको सेम इलेवंथ के लिए भरना है। देन अगेन ट्वेल्थ के लिए भरना है, पास स्टेटस क्या है, फेल या पास। ठीक है, और ऐसा भी आता है ट्वेल्थ में कि अभी आप ट्वेल्थ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरिंग आ जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ इलेवंथ के लिए नहीं आएगी, बिकॉज इलेवंथ वाले एलिजिबल नहीं होते, ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ के बाद ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए एलिजिबल होता है, तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग भी दिखेगा, तो भी आप ट्वेल्थ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग पे क्लिक कर देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम, टाइप ऑफ स्कूल, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, है ना, कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, स्कूल का नेम एंड एड्रेस, रोल नंबर क्या है आपका ट्वेल्थ में, है ना, अगेन ईयर ऑफ पासिंग, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, स्कूल का बोर्ड कौन सा था और पिन कोड क्या था। ठीक है, चेक कर लेना सब कुछ दोबारा अपनी 11th, 10th, 11th, 12th का सारे डिटेल्स, उसके बाद कैप्चा फिल करना है यहाँ पे, एंड अगेन आई एग्री, है ना, देन सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या है। यस, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कैप्चा फिल करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी सारी फिल हो गई, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, आर यू आर ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी। कभी कभी क्या होता है, जो ट्विन्स होते हैं दोनों ही नीट एग्जाम देने जाते हैं, है ना, और जब ट्विन्स होते हैं तो फिर फिंगरप्रिंट्स में दिक्कत आती है ना, सेम ही लेता है वो, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है कि आप ट्विन हो या नहीं हो, येस और नो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डू यू एवर अपियर इन नीट यूजी, क्या पहले भी नीट यूजी में अपियर हुए हो 2023, 2022, 2021 में, हुए हो तो येस, नहीं हुए तो नो। ठीक
ठीक है, अगेन यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद क्या करना है, यही कैप्चा डालना है ना, आई एग्री पे क्लिक कर देना, ये ना आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, अब देखो, यस, अब देखो, अब क्या हो गया, अब आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, है ना, जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, डॉक्यूमेंट्स, साई, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, है ना, वो सब अब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले क्या अपलोड करना है, देखो, फोटो अपलोड करनी है अपनी, पासपोर्ट साइज, है ना, बताया था जिसका फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी या जेपीईजी, ठीक है, साइज बताया था 10 to 200 KB, ये आपको यहाँ पे चूज फाइल में करके अपलोड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्नेचर, ठीक है, मैं कहूँगी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में एक जगह पे एक फोल्डर बना के डाल लो ताकि ईजी हो जाए। देन सिग्नेचर, सिग्नेचर का भी फॉर्मेट क्या रहेगा, जेपीजी एंड जेपीईजी, और साइज क्या है, 4 to 30 है सिग्नेचर का, ठीक है, चूज कर लो फाइल, ठीक है, यहाँ पे अपने आप लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज परमानेंट एड्रेस प्रूफ, मतलब यहाँ पे आपको क्या डालना है, आधार कार्ड, आधार कार्ड की यहाँ पे आपको स्कैन फोटो डालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में बोला है, क्यों पीडीएफ फॉर्म में बोला है, बिकॉज आपको आधार कार्ड की आगे वाला भी और पीछे वाला भी दोनों डालना है, ठीक है। तो किस फॉर्म में डालना है, पीडीएफ फॉर्म में डालना है, साइज क्या रहेगा, 50 to 300 KB, है ना, चूज फाइल करके यहाँ पे कर दो, ठीक है, इसको याद रखना, ये पीडीएफ है, ये जेपीजी जेपीजी है। नेक्स्ट इज फोटो, जो पोस्ट कार्ड साइज है, जो बड़ी वाली फोटो है, ठीक है, यहाँ पे छोटी वाली फोटो डाली थी, यहाँ पे बड़ी वाली फोटो डालनी है, ठीक है। अगेन फॉर्मेट क्या रहेगा, जेपीजी एंड जेपीईजी, साइज 10 to 200 KB, फाइल को चूज कर लेना। नेक्स्ट इज हमने बताया था कि फिंगर के जो इंक में डाल के प्रिंट्स लेने हैं वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, है ना, वाइट शीट होनी चाहिए, लाइन भी नहीं होनी चाहिए, रोल्ड भी नहीं होनी चाहिए और कॉलम वाली भी नहीं होनी चाहिए शीट, प्लेन वाइट शीट लेनी है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स के डालने हैं, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही डालने हैं, 4 to 30 KB इसका साइज रहेगा, 4 to 30 चूज कर लेना फाइल। उसके बाद आपको थंब इंप्रेशन डालने हैं, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ फिंगर्स डालने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 8 fingers हो जाएंगे, है ना, दोनों हाथ की 4-4, यहाँ पे आपको दोनों हाथ के थंब डालने हैं, तो यहाँ पे 2 prints लगेंगे, ठीक है, जेपीजी जेपीईजी 40 to 30 KB रहेगा, ठीक है। ये जो फिंगर के इंप्रेशन है वो आपको एक ही शीट पे करने हैं, ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ पे 8 sheets यूज कर लोगे, एक ही शीट पे करने हैं, ऐसे यहाँ पे दोनों थंब के एक ही शीट पे करने हैं, ठीक है, फाइल चूज कर लेना। नेक्स्ट इज 10th class का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे डालना है, 10th class का, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पीडीएफ फॉर्म में डालना है, ठीक है, इसका पीडीएफ फॉर्म में डालना है, साइज क्या रहेगा, 50 to 300 KB, फाइल को चूज कर लेना, है ना, रीचेक कर लेना सब कुछ, उसके बाद आपको क्या करना, यस, देखो आपके पास ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा सब कुछ आ जाएगा, आपका फोटो आ जाएगा, है ना, आपका सिग्नेचर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे प्रूफ आ जाएगा आपका एड्रेस का, पोस्ट कार्ड साइज आ जाएगा, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, है ना, 10th का सर्टिफिकेट भी, यहाँ पे सब कुछ आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, देखो सब कुछ सेव हो चुका है आपका, है ना, देखो ये ऐसा खुलेगा आपके पास, देखो आपका पूरा डिटेल आ चुका है, आपके नाम से लेके आपका सब कुछ यहाँ पे पूरा आपका फॉर्म बन चुका है, है ना। देखो सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, है ना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गई हैं आपके यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखो, देखो ये सब कुछ आ चुका है आपके पास, है ना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे ये वाला फॉर्म रह गया हमारे पास पीछे, इसको देख लेते हैं एक बार, है ना, हाँ ये वाला फॉर्म रह गया हमारा पीछे, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या था इसमें। अच्छा आपका पास स्टेटस क्या है 10th का, अच्छा हो गया है, 10th, 11th, 12th हो चुका है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट रह गया था हमारा, हाँ इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, आपका सब्जेक्ट मोड क्या है, इंग्लिश, है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑब्वियसली अगर आप नीट के लिए दे रहे हो, है ना, तो ये सब आपका सब्जेक्ट होगा। टोटल मार्क्स क्या होते हैं और आपके कितने आए, आपके कितने आए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जो भी आपने अपनी परसेंटेज डाली होगी, आपका परसेंटेज तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, बट यहाँ पे आपको अपने मार्क्स अपलोड करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, आपके कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो या फिर बायोटेक में आपके कितने मार्क्स आए, तो आपको ये भी फिल करना है। ये वाला पॉइंट रह गया था पीछे, ठीक है, यस, बाकी सब हो गया आई गेस, देख लेते एक बार, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं,
यस, यहाँ पे एक और चीज थी, यहाँ पे क्या था, एग्जाम स्टेट, आपकी पहली चॉइस क्या है एग्जाम स्टेट की, है ना, यहाँ पे एक पेज रह गया है। पहली चॉइस क्या है आपकी, यूपी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है। सेकंड चॉइस क्या है, यूपी, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम लोकेशन डालनी है, क्योंकि अगर आप एक ही लोकेशन में, आपको सिटीज अलग अलग डालनी है ना, देखो यहाँ पे सिटीज का ऑप्शन अलग अलग है, तो स्टेट एक ही डाल देना, जैसे यहाँ पे यूपी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन अलग अलग डालेंगे, ठीक है, सिटी अलग अलग डालेंगे, जैसे यहाँ पे यूपी में ही एक तरफ मेरठ डाल दी और सेकंड चॉइस मिर्जापुर डाल दी, ये दोनों कहाँ की, यूपी की ही है, ठीक है। तो आपको स्टेट एक ही डालनी है, बट सिटी आप अलग अलग डालोगे, जो भी पास होगा उसको पहले डाल देना, जो थोड़ा दूर पड़ेगा उसको सेकंड में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके फादर या फिर गार्जियन का क्या ऑक्यूपेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, ये सब है ना, या जॉब करते हैं। मदर क्या करती है ना, फादर ने कितना स्टडी किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सेम विद द मदर, ठीक है। यहाँ पे भी कैप्चर करके आई एग्री कर देना है, ठीक है। ये वाला पेज रह गया था, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये सब आपने फॉर्म फिल कर दिया है ना, फॉर्म फिल करने के बाद आपका पूरा एक फॉर्म बन जाएगा, ऐसा देखो, आपका एक ऐसा फॉर्म बन गया देखो, जिसके अंदर आपके सारे डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, है ना, देखो एग्जाम सेंटर डिटेल्स जो भी आपने भरी थी, यूपी, मेरठ, मिर्जापुर, है ना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, है ना, 11th का डिटेल्स, क्वालिफिकेशन 12th का डिटेल्स, है ना, ये सब आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। इसको चेक करने के बाद क्या होगा, देखते हैं। यस यस, अगेन क्या होगा, आप कंट्री कोड मांगेंगे, कंट्री कोड डाल देना है यहाँ पे, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, अगेन कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को फिल करके सेंड ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे आपको ओटीपी मिल जाएगा, ठीक है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, जैसे ही आपको ओटीपी मिलेगा आपको ओटीपी यहाँ पे भर देना है, मोबाइल चेक करो अपना, है ना, ओटीपी भरने के बाद ओके क्लिक कर देना है। अब देखो 10th का सर्टिफिकेट आपने सक्सेसफुली कर दिया है, देखो रजिस्ट्रेशन हो चुका है अब आपका, है ना, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दिया है। अब क्या करना है आपको, देखो पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड वैलिड, ठीक है। अब सबको चेक कर लो, माई नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, है ना, फादर नेम, एड्रेस और सेंटर, अगर आपका सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक कर देना, फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। अब हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया और एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या स्टेप रह गया हमारा, देखो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया, सब कुछ चेक करके, सब पे क्लिक करके फाइनल सबमिट, ठीक है। योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब क्या रह गया हमारे पास, पेमेंट रह गया, है ना, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हमने एप्लीकेशन कर लिया, लास्ट इज पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट के आपके पास तीन मोड है यहाँ पे, SBI ई पे, HDFC एंड ICICI, ठीक है, इन तीनों के थ्रू ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने जिसके भी थ्रू करना हो कर लेना, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरोगे, अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना, वहाँ पे ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेना, पेमेंट कर देना, ठीक है। पेज एक्सपायर हो जाएगा 7 मिनट्स में, तो फटाफट करना इसको, देखो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 7 मिनट्स में एक्सपायर हो जाता है ये पेज, तो आपको फटाफट अपना फ़ोन अपने पास रखना है, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो जब आप सब कुछ आपका सही हो जाएगा तो क्या होगा, देखो क्लिक पेमेंट स्टेटस, आपका पेमेंट स्टेटस मिल जाएगा, देखो सक्सेस, मतलब आपका हो चुका है, ठीक है, आपका हो चुका है ना, आपने पेमेंट कर दिया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया और पेमेंट भी आपने कर दिया, ठीक है। तो ऐसे फिल करना है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कोई भी मैसेज मुझे कर सकते हो अगर आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत होती है, ठीक है। आई गेस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल होती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। अभी फॉर्म मत भरना, अभी सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, 2-3 दिन लो, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी करो, अपनी फोटोग्राफ वगैरह अच्छे से क्लिक कराओ, उसको साइज के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करो, स्कैन करो, ठीक है। अपना 3-4 डेज लो, उसके बाद ये वीडियो दोबारा से देखना और साथ साथ अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, और फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, टाइम रहते ही, है ना, ज़्यादा डिले मत करना, ठीक है। 3-4 दिन का टाइम लो एंड देन यू कैन फिल अप द फॉर्म। थैंक यू सो मच।